नमस्ते। बतिया दौरावत का आज का आख्यान समर्पित है भोर की बेला अर्थात सूर्योदय के पूर्व के प्रभात समय को। आज हम इस समय पर गाए जाने वाले तीन रागों की तस्वीरें बनाने की कोशिश करेंगे। ये तीन राग हैं ललित, विभास तथा हिंडोल। मेरी धारणा है कि भोर की शुरुआत होती है राग ललित से। रात की नींद में से हल्के हल्के हौले हौले जागृतावस्था तक ले आने वाला ये राग है। मुझे इसके सुरों से कुछ मृदुलता, कुछ बिनती या अनुरोध की प्रतीति होती है, उल्लास या उत्साह की नहीं। मानो ये राग निद्रित अवस्था के व्यक्ति को प्यार ममता भरे सुरों से कह रहा है कि देखो, आसपास का सारा निसर्ग अब जाग रहा है, तुम भी जागो और अपने दिन की शुरुआत करो। इस राग की बहुत ही महत्वपूर्ण स्वरावली नि रे गा मा 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 गा मा मा गा, इसमें जो दो मध्यमों का आकर्षक खेल है उसी से चेतना की अनुभूति होती है। मानो कुछ झुनझुनी सी, जिसे अंग्रेजी में टिंगलिंग कहते हैं, वैसा अनुभव होता है। वास्तविक रूप में शास्त्र के तथा राग के नियमों के अनुसार किसी भी राग में एक स्वर के दो विकल्प, कोमल, तीव्र, शुद्ध आदि अगर उपयोग में लाए जाते हैं तो इनका एक के बाद एक उपयोग वर्जित होता है। परंतु इस नियम को राग ललित अपवाद है। इस राग में मेरी तीन बंदिशों की कहानी मैंने पहले ही काफ़ी विस्तार से बताई है, इसलिए अब की बार इस राग का गायन नहीं करूंगी। आज से कुछ 100-150 वर्ष पूर्व राग ललित शुद्ध धैवत से ही गाया जाता था। इसका वर्णन भातखंडे जी की किताब क्रमिक पुस्तक मालिका में मिलता है। और तब वो कैसा सुनाई देगा, मेरे गा मा मा से मुझे आलस कम, उत्साह ज्यादा प्रतीत होता है। शुद्ध धैवत वाले ललित की ऊर्जा कोमल धैवत वाले ललित से एक स्तर ऊंचाई पर है। इस राग को आज भी अपवादात्मक रीति से सुना जा सकता है। मैं जब पंडित संजीव अभ्यंकर जी के साथ जसरंगी जुगलबंदी का गायन करती हूँ तो हम इस राग को उपयोग में लाते हैं, लेकिन इस जुगलबंदी के प्रयोग के बारे में फिर कभी विस्तार से बतिया करूंगी। आइए अब चलते हैं राग विभास की ओर। राग विभास मेरी व्यक्तिगत
निजी पसंद का राग है और मैंने इसे बहुत बार गाया भी है। इसे गाने के दो अंदाज हैं। कई बार इसे कोमल धैवत से गाया जाता है, भैरव ठाट का विभास। सुनकारों को पंडित डीवी पलुस्कर जी की रिकॉर्ड सा के कुंवरवा जाइल हमरा, के कुंवरवा जाइल हमरा जरूर याद आएगी। परंतु मेरे घराने में इसे शुद्ध धैवत के साथ गाने की परंपरा है, जो मारवा थाट का विभास है। इस राग का व्यक्तित्व मुझे ललित की अपेक्षा ज्यादा जागृतावस्था वाला प्रतीत होता है, जहाँ ललित का निर्देश बिस्तर पर लेटे हुए व्यक्ति की तरफ ही है, परंतु उसका इशारा व्यक्ति से ज़्यादा उसके आसपास के संसार के जागने की ओर है। वहीं विभास का अनुरोध बिस्तर त्याग कर उठ खड़े हुए व्यक्ति को दर्शाता है। विभास बात करता है व्यक्ति की, उसके अंतर मन को, आत्मा को जगाने की, अंतर्गत चेतना की, न ही बाहरी दुनिया की। इस राग में मेरे घराने में प्रचलित दो विलंबित बंदिशें पाई जाती हैं। दोनों पारंपरिक हैं, दोनों विलंबित रूपक ताल में निबद्ध हैं, दोनों की लय भी समतुल्य ही है। पहली है, हे श्याम श्यामा भोर ही उठ बैठे, अरस परस दो करत श्रृंगार। श्यामा और श्याम दोनों सुबह उठकर आमने सामने बैठकर श्रृंगार करने की बात हो रही है। ये बंदिश में राग विभास मानो शुद्ध धैवत की सम पर पुष्प सा खिल रहा है। जैसे ये बंदिश कह रही है, उठो, श्रृंगार करो और तैयार हो जाओ। परंतु वही आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी दूसरी बंदिश, हे नरहर नारायण पर। हे नरहर गिरी वाले
इसे गाने के बाद इसके सुरों से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो इस बंदिश का निर्देश शारीरिक बनावटी श्रृंगार की तरफ नहीं बल्कि ध्यान धारणा की ओर है। मध्य सप्तक के षडज पर स्थापित इसकी सम मुझे पद्मासन में ध्यान मुद्रा में बैठे योगी की याद दिलाती है। ऐसा लगता है कि तन के श्रृंगार की नहीं मन के प्रक्षालन की बात हो रही है। यह बंदिश मानो कह रही है, उठो और ध्यान में बैठ जाओ। गोपी रूप है ना अचरज वाली बात। राग वही, सुर भी वही, लय भी वही, ताल भी वही, लेकिन दोनों बंदिशों की बात अलग। इसी को कहते हैं बंदिश की कहन। आइए अब चलते हैं राग हिंडोल की तरफ। जैसा इसका नाम है वैसी ही इसकी कहन, झूलती झूमती हुई। सूर्योदय से पहले जब भोर की पूर्वी बयार चलनी शुरू होती है, तब हवा के झोंके से बेलाए लताए मानो डोलने लगती है, जैसे झूम रही हो। फिर इन बेलाओं पर खिली और अब पूर्ण उन्मीलित हुई कलियां माने फूल हल्के से बेला को छोड़कर जमीन पे गिरने लगती है। वे भी कैसे, चलती हवा के कारण गोल गोल घूमते हुए फिर धरा पर गिरते हैं। राग हिंडोल के झोल इसी सृष्टि सौंदर्य को दर्शाते हैं। अभी अभी खिले फूल, ताजा खिली कलियां जिस तरह से रंग और गंध के मामले में प्रखर या चमकीली हुआ करती हैं, वैसा है इस राग का असर। शायद इसीलिए इस राग को बसंत ऋतु के समय पर बहुत ज्यादा गाया बजाया जाता है तथा इस राग में निबद्ध बहुत सारी बंदिशों में या तो बसंत का ऋतु वर्णन या फिर होरी का वर्णन पाया जाता है। इस राग को अगर धमार की तरह लयकारी बोल बांट इत्यादि के साथ पेश किया जाए तो ये बहुत ही असरदार साबित होगा। इस राग में निबद्ध हमारे घराने की एक अत्यंत सुंदर पारंपरिक बंदिश चनक मूंद भैलवा तथा उसके बाद एक तराना जो स्वर्गीय बबनराव हल्दनकर जी की रचना है, इन दोनों से मैं आज के आख्यान का समापन करूंगी। परंतु समापन से पहले एक बार फिर याद दिला दूं कि राग ललित विभास या हिंडोल की जो तस्वीरें मैंने आज बनाई हैं उन्हीं तस्वीरों तक ये राग सीमित नहीं तथा सुनने वालों को इनके स्वरों द्वारा इनकी प्रस्तुति के द्वारा मेरी अपेक्षा अलग अनुभूति मिलना असंभव नहीं, बल्कि हो सकता है कि मुझी को अगली बार इन्हें गाते हुए अलग प्रतीति मिले। आइए
आज के आख्यान का समापन करें राग हिंडोल के गायन से। धन्यवाद। बहार बसंत चरक मूंद भई गुमान करने की ये रुतनाही सरा बहार बसंत चरक मूंद भई लवा चरक मूंद भई तरण दीम तोम तान देरे ना तरण दीम तोम तान देरे ना तरण दीम तोम तान देरे ना तन देरे ना तदारे दानी 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 तन देरे ना तदारे दानी तोम तान देरे ना तान देरे ना तान देरे तरण दीम तोम तान देरे ना तरण दी ओ दानी दानी तदानी 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 दानी ओ दानी दानी तदानी 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 दानी सा गम गस धा किट तक धूम किट तक धत्ता किटक तक गदिगन धा तिटकत गदिगन धा तिटकत गदिगन धा तरण दीव तोम तान देरे ना तरण दीव तोम तान देरे ना।